हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड। आज हम कॉफी चॉकलेट केक बनाएंगे, तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल लेंगे, बोल में 1 कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब 1 कप पाउडर शुगर डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। दो कप मैदा डालेंगे, मैदा को छान लेंगे। अब इसमें 1 टी स्पून चॉकलेट पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 टी स्पून और चॉकलेट पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद बैटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मिक्स करते जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा कॉफी सिरप डालेंगे। अब अपने बैटर को सर्कुलर मोशन में चलाते हुए मिक्स करेंगे। अभी हमारा बैटर काफी थिक लग रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे। पूरे बैटर में मैंने 1.5 कप दूध का इस्तेमाल किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर तैयार हो गया है, कहीं भी लम्स नहीं है। अब जिस बर्तन में हम केक बनाएंगे उस बर्तन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। चारों तरफ अच्छे से ग्रीस करिएगा, बिल्कुल इस तरह से। अब हम बर्तन में बैटर को डाल देंगे। बैटर को अच्छे से सेट कर देंगे। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालकर प्री हीट होने के लिए रख दिया है। 5 मिनट बाद चेक करेंगे, पानी गर्म हो चुका है। अब हम बैटर को रख देंगे। किसी जाली के ऊपर ही रखिएगा। अब हम इसे ढक देंगे, 45 से 50 मिनट तक बेक होने देंगे। गैस की फ्लेम को स्लो पर रखेंगे। अब एक पैन में 2 कप दूध डालेंगे। जब दूध थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो 1/2 कप दूध निकाल लेंगे। जो दूध मैंने कप में निकाला है इसको भी डिवाइड कर देंगे। अब 1 कप में 1 कॉफी पाउडर डालेंगे।
अब कॉफी पाउडर को अच्छे से मिला देंगे। दूसरे कप में एक चम्मच चॉकलेट पाउडर डालेंगे और एक चम्मच मैदा डालेंगे। हमारे दोनों सिरप रेडी हो गए हैं। पैन में जो दूध रखा था वो भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें दोनों सिरप को डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये थोड़ा सा थिक होने लगेगा तब हम गैस को बंद कर देंगे। अब ये थोड़ा सा थिक हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। 45 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने केक को चेक कर लेते हैं। नाइफ डालकर चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, केक हमारा बन चुका है। अब हम केक को निकाल लेंगे। चाकू की हेल्प से केक को चारों तरफ से डीमोल्ड करेंगे। अब फोक की हेल्प से इसमें थोड़ा सा होल करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। पूरे केक में करना है चारों तरफ। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि मैंने इसमें कितने होल किए हैं। अब इसमें जो मैंने सिरप तैयार किया था दूध का वो डाल देंगे। और चारों तरफ से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। धीरे धीरे ये पूरा अब्जर्व हो जाएगा। फिर से हल्का सा होल करेंगे जिससे कि सारा सिरप केक में चला जाए। अब थोड़ी देर के लिए केक को ऐसे ही छोड़ देंगे। जब तक केक सेट हो रहा है तब तक हम इस पर लगाने के लिए क्रीम तैयार कर लेंगे। एक बोल में होममेड फ्रेश क्रीम डालेंगे। ये क्रीम मैंने घर पर बनाई है। अब इस क्रीम में चॉकलेट सिरप डालेंगे। क्रीम और चॉकलेट सिरप को अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्रीम और चॉकलेट सिरप अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम केक के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से सावधानी पूर्वक लगाइएगा। अब क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। क्रीम अच्छे से स्प्रेड हो गई है। अब ऊपर से थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर डालेंगे।
ये देखिए अब हम केक के पीसेस करेंगे। दोस्तों केक को बड़ी सावधानी से निकालिएगा, जिस भी बर्तन में रखिएगा ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सावधानी से केक निकालें। हमारा केक रेडी हो गया है। मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है। और बहुत ही स्पंजी केक बना है। तो दोस्तों आपको मेरी कॉफी चॉकलेट केक की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।